तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपका अकाउंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है और आप जो है इंटरनेट बैंकिंग का जो है प्रोफाइल पासवर्ड या ट्रांजैक्शन पासवर्ड जो है भूल चुके हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप प्रोफाइल पासवर्ड को जो है रीजनरेट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको कोई भी एक ब्राउजर पे टाइप कर देना है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद आपको सेकेंड वाला ऑप्शन मिल जाएगा पर्सनल बैंकिंग का, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद पर्सनल बैंकिंग वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो सिंपली अपना पर्सनल बैंकिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सिंपल अपना यूज़र आई डी दे देना है और पासवर्ड देना है। और यहाँ पर आपको कैप्चा दिख रहा होगा, तो सिंपल अपना कैप्चा फिल करके जो है प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आपका, उस पर जो है ओ टी पी जाएगा, तो सिंपली उस ओ टी पी को यहाँ पर फिल कर देना है और यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपका इंटरनेट बैंकिंग पूरी तरह से खुल जाएगा। उसके बाद आपको ऊपर प्रोफाइल वाला ऑप्शन पे आपको जो है क्लिक कर देना है। और आपको यहाँ पे नीचे देख सकते हैं पासवर्ड सेटिंग, तो यहाँ पे देख सकते चेंज लॉग इन पासवर्ड, चेंज ट्रांजेक्शन पासवर्ड और जनरेट ट्रांजेक्शन पासवर्ड। अगर जनरेट करना चाहते हैं, आप भूल गए हैं पूरी तरह, तो आपको जनरेट करना होगा। तो सिंपली आपको जनरेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे तीन ऑप्शन दिख रहा होगा, OTP से वेरीफाई कर सकते हैं, ग्रीड कार्ड से भी कर सकते हैं, तो आप OTP चूज कर लीजिएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे OTP आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर जाएगा, दो बार जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे जो है फिर आया है, तो आपको यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे दे देना पड़ेगा OTP। उसके बाद यहाँ पे जो है न्यू पासवर्ड आपको दिख रहा होगा, तो सिंपली अपना जो है न्यू पासवर्ड आपको बना लेना है। न्यू पासवर्ड आपको कैसे बनाना है, सबसे पहले आपको कैपिटल लेटर देना है, उसके बाद स्मॉल लेटर में आपको कुछ लिखना है, उसके बाद जो है स्पेशल कोई कैरेक्टर देना है, @ हो या हैच हो या स्टार हो, उसके बाद एक न्यूमरिकल नंबर देना है, तो आपका जो है पासवर्ड जो है बन जाएगा। तो चलिए मैं जो है उसी तरह से जो है अपना जो है पासवर्ड यहाँ पर फिल कर देता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो है सबमिट है, तो आपको सिंपल अपना सबमिट में क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ से देख सकते मेरा जो ट्रांजैक्शन पासवर्ड है सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। तो इसी तरह से जो है आप अपना पासवर्ड को जो है जनरेट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई डाउट होता है या कन्फ्यूजन है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए या मेरा इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज कीजिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए।